नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप जीतने के बाद ईशान किशन की चर्चा है। अब ईशान किशन की चर्चा कई लिहाज से है। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम इंडिया T20 सीरीज खेल रही है, वहां पर ईशान किशन को मौका नहीं मिला। यह कहा जाने लगा कि भाई साहब, अब तो ईशान किशन से BCCI अभी तक नाराज है और करियर खात्मे की तरफ है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को लेकर भी खबर लगातार सामने आ रही है कि मुंबई इंडियंस भी ईशान किशन को झटका देने की तैयारी कर रही है और ईशान किशन को रिलीज करने की प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में ईशान किशन ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। ईशान किशन ने हार्दिक पांड्या को लेकर एक ऐसी बात कह दी है कि मुंबई इंडियंस में घमासान मच गया है। वास्तव में ईशान किशन के इस बयान को कई लिहाज से देखा जा रहा है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि भाई साहब, ईशान किशन ने अपनी जान को बचाने के लिए, अपने करियर को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए हार्दिक पांड्या के लिए यह बयान दिया है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का याराना है, हर कोई जानता है। यह चर्चा उस वक्त भी चल रही थी जब हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के अलगाव की, दोनों की मनमुटाव की खबरें थी, उस वक्त भी यह चर्चा थी कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या के खेमे के खिलाड़ी बन गए हैं, हार्दिक पांड्या से दोस्ती निभा रहे हैं, रोहित शर्मा से दूरियां बना रहे हैं ईशान किशन। उस वक्त भी इस तरीके की चर्चा थी। मतलब कुल मिलाकर साफ है कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या के खेमे के खिलाड़ी माने जा रहे हैं। इसीलिए मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या जब कप्तान बने तो यह कहा जाने लगा कि ईशान किशन का करियर अब सेफ है। अब ईशान किशन को कोई खतरा नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान बन गए। अब हार्दिक पांड्या ईशान किशन को बचा लेंगे। लेकिन जब करियर खतरे पर आया, BCCI मौका दे नहीं रही है, मुंबई इंडियंस बाहर निकालने का प्लान बना रही है, तो ईशान किशन ने एक बड़ा बयान दिया अपने करियर को बचाने के लिए। अब ईशान किशन ने क्या कहा, एक बात सुन लीजिएगा। ईशान किशन ने कहा कि मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या ये सब वर्ल्ड कप के लिए बचा रहे हैं। मैं उनके शब्द कभी नहीं भूलूंगा, एक बार प्रदर्शन आ जाए फिर जो आज गालियां दे रहे हैं तालियां बजाएंगे। ईशान किशन ने कहा है, यह बात उन्होंने मुझसे तब कही थी जब मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। उन्होंने कहा था कि लोगों को बात करने दीजिए, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और जिस खेल को हम पसंद करते हैं उसमें अपना 100% देंगे। यह ईशान किशन का बयान है और यह ईशान किशन का बयान हार्दिक पांड्या को लेकर आया है। ईशान किशन का कहना है कि हार्दिक पांड्या का जब बुरा दौर था तो हार्दिक पांड्या ने लोगों को वैसे मुंह से जवाब देने की बजाय मैदान पर जाकर जवाब दिया, मैदान पर जाकर विश्व कप में अच्छा खेल दिखाया, इसीलिए टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती और हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईशान किशन ने अपने लिए भी कहा है कि मुझे हार्दिक पांड्या कहते थे कि भाई साहब, जब बुरा दौर हो तो चुप रहिएगा, 100% खेल से जवाब दीजिएगा, खेल के मैदान पर जाकर जवाब दीजिएगा। यह ईशान किशन का कहना। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या की तारीफ यहां पर ईशान किशन करते हुए नजर आ रहे हैं और यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जब बुरा दौर था हार्दिक पांड्या का, उस दौर में भी हार्दिक पांड्या ने कोई मुंह से जवाब नहीं दिया बल्कि अब विश्व कप में जाकर बल्ले से जवाब दिया। अब क्रिकेट फैंस का यहां पर यह कहना है कि भाई साहब, ईशान किशन तो चापलूसी करने लगे। ईशान किशन कप्तान हार्दिक पांड्या हैं, इसीलिए ईशान किशन हार्दिक पांड्या की तारीफ कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने विश्व कप जिताया, अच्छी कप्तानी की, बढ़िया बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा की तारीफ में ईशान किशन ने एक शब्द नहीं बोला बल्कि हार्दिक पांड्या की तारीफ करने लगे। जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, उनकी तारीफ में नहीं बोला। सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया, उनकी तारीफ में नहीं बोला, हार्दिक पांड्या की तारीफ करने लगे। ये फैंस का कहना है कि ये तो ईशान किशन अपने करियर को बचाने के लिए, मुंबई इंडियंस में रिटेन होने के लिए हार्दिक पांड्या की तारीफ कर रहे हैं। तो आपका ईशान किशन के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में ईशान किशन हार्दिक पांड्या की तारीफ इसलिए कर रहे हैं ताकि मुंबई इंडियंस में बच सके? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों की तारीफ नहीं की उन्होंने। आपका इस खबर पर क्या कहना है ये बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।